सर जी नमस्कार। सर काफी उत्साह का और काफी संगीत का माहौल हो रहा है सर। बिल्कुल जी बिल्कुल, पुष्कर मेला है और काफी टाइम से लगा है, दो तीन साल से फ्लॉप होता जा रहा है और अब की बार बहुत ही अच्छा मेला भरा है, तो उत्साह तो होना ही है। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो सर अभी मतलब जाने की खुशी है या मेले की खुशी है? नहीं, मेले की खुशी है जी, हम तो आए हैं बस मेले में जानवर लेके आए, चार पांच हमारे और बस एंजॉय कर रहे हैं जी। मेरा नाम सुनील चौधरी है जी, लाडपुरा गांव है मेरा, लाडपुरा से है, नागौर जिले में लाडपुरा, नागौर डेगाना विधानसभा पड़ता है मेरा, जिला नागौर। कितने वोट लाए सर आप? मैं जी लाया हूँ सर चार, चार लेके आया हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका जो मेले का है? बहुत ही शानदार, सभी हॉर्स लवरों से मिलना भी हो गया और सब भाई लोग भी आए हुए हैं, दोस्त भी आए हैं, ये हरियाणा से आए हैं मेरे चाचा ताऊ सब मिलने वाले, और ये मेरे दोस्त हैं, सब लोग मिलते हैं आ रहे हैं और
बहुत ही अच्छा मेला रहा, फर्स्ट क्लास। हाँ सेल एक घोड़ी की है जी। हाँ जी हाँ जी, आपकी घोड़ी? हाँ जी, मेरी 10 लाख में हुई जी। हाँ जी, सर थोड़ा घोड़ों के बारे में बताएंगे सर? घोड़ों के बारे में जी, हम मारवाड़ी, मारवाड़ी जो ब्रीड है वो हम रखते हैं जी। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी पल्लवी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घोड़ी है जी। क्या उम्र की है सर? ये हो गई जी 9 साल की। 9 साल? हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या फादर का क्या नाम है सर? इसके फादर का जी हमें कंफर्मेशन नहीं है जी पता। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। और ये वाला? ये है जी, इसका नाम है जी लवली। लवली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसके क्या उम्र की है? ये 4.5 साल की हुई है अभी। हाँ, फादर का नाम है जी, ये प्रिंस टेला, जो हमारे शक्ति सिंह जी लखावत साहब के पास में प्रिंस घोड़ा था तूफान का डायरेक्ट, ये तूफान की पोती है जी, जी। और प्रिंस की डायरेक्ट डॉटर है जी। अच्छा, हाँ, और इसकी मदर भी मेरे पास है। अच्छा, इसकी मदर आपके पास? हाँ जी हाँ जी, मदर है जी रामपुर मठ लाइन से, कोमल नाम है उसका। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। ये तो सर कौन से में आ जाती है? अबलक में आ जाती है? हाँ, ये काली अबलक में। काली अबलक? हाँ जी, बस 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 बस, ये काली अबलक है। काफी शानदार इसका। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जो मारवाड़ी जो इसमें जो करेक्टर है बहुत ही शानदार, कद काठी, इसकी लेंथ, सीना, इसकी कहने मतलब गर्दन, उसका जो फेस बहुत ही शानदार, बच्चे देने में बहुत ही अच्छी रहेगी। तो बच्चे लिए हैं? नहीं जी नहीं, अभी घोड़ा एक बार मिलाया इसको, अभी घोड़ा वापस मिलाया नहीं है, अब मिलाएंगे इसको बाद में सर्दी टलने के बाद। ये नुकरी है? हाँ जी हाँ जी, ये नुकरी है जी, ये तो शौक से लिए हुई है। हाँ जी हाँ जी। क्या ये क्या उम्र की है? ये 4.5-5 साल के समथिंग। 4.5 साल? इसके ही फादर वगैरह का आपसे? अब हमने तो इसको परचेज की थी नागौर मेले से। नागौर से? हाँ जी हाँ। और अच्छा, ये सेल के लिए है क्या सर जी? हाँ, सेल के लिए तो सभी हैं। अच्छा, अगर हमारी कीमत में जमेगी तो हम सेल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाई को पसंद आएगी तो उसको देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये वाली इधर? ये है जी दोस्त है जी, डॉक्टर कल्याण सिंह जी जी, जो रणसी गांव के हैं, वैसे हमारे गांव के दामाद भी हैं लाडपुरा के शेखावत, उनके दामाद हैं कल्याण सिंह जी नरुका, उनकी है जी। ये दिखाने के लिए लाए हैं, कल ही उधरी है यहाँ, क्योंकि हमारी एक घोड़ी सेल हो गई तो उसकी जगह इसको यहाँ ला के बांध दिया। अच्छा, हाँ जी, ये 4 दांत है अभी। अच्छा, 4 दांत? हाँ जी। अच्छा, ये भी 4.5-5 साल की है। इसकी क्या खासियत है सर? इसकी खासियत ये है कि जो मारवाड़ी जो करेक्टर है वो सारा इसमें आप देख सकते हैं, कूट कूट के भरा है। इसका सीना देखो आप, इसका जो फेस है, इसकी जो बॉडी है, इसका जो पुट्ठा है, हड्डी बॉडी, यानी कि बहुत ही अच्छी मैं रही है। बच्चे लाइन की है जी। कौन सी लाइन की है सर? अब ये कहना मतलब मैं इसकी मदर का इतना कंफर्म नहीं है, और घोड़ा हमारे उधर एक पाली जिले में एक घोड़ा है पंच कल्याण, उस घोड़े की ये बेटी है। हाँ जी हाँ जी। दो पांव पीछे सफेद? हाँ, दो पांव इसके पीछे के सफेद हैं और माथे पे फूल है। फूल है? हाँ जी हाँ जी। काफी सुंदर लग रहा है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये 4 है आपके पास? हाँ जी। और बात कर लेते हैं सर जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सर आपने तो समा बना दिया यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे क्या है कि मेरे तो देखो दादा परदादाओं से घोड़े रखते आ रहे हैं। हाँ। उस समय ये क्रेज नहीं था हाइट लाइन वगैरह सारा चीज का, और उस समय हमारे परदादा रखते थे, उनको तो हमने देखा भी नहीं था। दादाजी और पापा जी कहते थे कि भाई दादा परदादा का अपने घोड़ी थी, वैसे रखते आ रहे हैं। बीच में थोड़े साल नहीं थी हमारे पास जानवर, बाकी वापिस ये शौक मेरे में घुसा और 2009 से ये कंटिन्यू मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपके जो अभी फार्म का नाम क्या? मेरे फार्म का लाडपुरा, मेरे गांव का नाम है लाडपुरा स्टेट फार्म ही मेरे गांव का नाम है जी। तो आपके जैसे इसके अंदर सारी घोड़ियाँ एक क्वालिटी वाली घोड़ी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है कि जैसे लाइन वाली घोड़ियाँ तो सारी लाइन वाली ही है मेरे पास। लाइन वाली घोड़ियाँ का जो एक देखने में आ जाता है? हाँ जी। वो एक नजर ही आ जाता है? हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर सर आपको उसके अंदर अलग से कुछ मेहनत वगैरह करनी लगी? देखो जी, अलग से कोई मेहनत नहीं है, इनका जो इनका रेगुलर जो इनका दाना पानी है वो हम रेगुलर ही वही करते हैं। सर्दी का थोड़ा चेंज करना पड़ता है, गर्मी का उस हिसाब से, और उनका
हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी जैसे आपकी बातों से पता लग रहा है कि आपका शौक है, मतलब बिल्कुल है, तो आपके कितने साल हो गए सर आपको? मैं बोल रहा हूँ ना, शौक तो देखो हमारे दादा परदादा तो हमारे खून में है। अच्छा। लेकिन हम ये काम मैं रेगुलर ही कर रहा हूँ 2009 से। अच्छा, तो सर आपके जो लाइफ की जो सबसे प्यारी घोड़ी या घोड़ा, हाँ जी हाँ जी, जो आया होगा जो आपको याद रहेगा हमेशा, तो वो कौन सा बता? मेरे पास में एक घोड़ी थी जी, काली अबलग, जो 2017 में मैंने सेल की, मानसिंह दादा गायकवाड़ कोल्हापुर वाले, वो इसी कलर में थी, उसका नाम था रूप तीज, राज रूप। वो घोड़ी अभी मानसिंह दादा के वहीं स्टेबल है रणवीर स्टड फार्म पे कोल्हापुर में, और बहुत ही अच्छी घोड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक मान लो प्रेम के नाते मैंने उनको दी, और उस समय में बहुत अच्छी कीमत में वो घोड़ी मैंने सेल की। उसके मदर फादर का भी मुझे कन्फर्म पता नहीं था, और वो उनके पास स्टेबल है अभी। अच्छा, हाँ जी। तो सर जैसे हम बात भी करते हैं, जैसे आपके भी लग रहा, जैसे अभी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा, तो एक घोड़ा आपकी लाइफ में कितनी एनर्जी भर देता है और क्या लाइफ? घोड़े के बिना तो ऐसे समझ लो कुछ है ही नहीं। अच्छा। बस घोड़ा एक हमारे लिए एक नशा है, और घोड़ा चाहे रात को मैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी उठता हूँ तो इनके हर स्टेबल के सामने जाके मैं चेक करता हूँ कि क्या खा रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। ये हमारे लाइफ में एक ऐसा समझ लो इनका एक नशा है घोड़ों का। आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ इनकी वजह से? देखो लाइफ में तो चेंज ये हुआ कि इन घोड़ों ने मुझे हर एक राज्य में मेरा नाम दे दिया, हर एक राज्य में, महाराष्ट्र से लो, गुजरात से लो और पंजाब से लो, हर जगह मेरे इन्हीं की वजह से मुझे लोग जानते हैं, इन्हीं की वजह से मेरी पहचान बनी है। एक एनर्जी हो जाती है लाइफ में। हाँ जी हाँ जी, ऐसे भी चेंजेज हो, बिल्कुल जी। हाँ जी हाँ। अच्छा, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम जी सर, आपका भी और आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी, बिल्कुल जी। क्या नंबर है सर आपके कॉन्टेक्ट? सर मेरे नंबर है जी 8696105398, 8696105398। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम बात करने के लिए, शुक्रिया सर। पागल कौन से थे?